आप लोग इस स्कॉर्पियो वाले की चाल देखना थोड़ा, देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही स्पेशल राइड होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे सेक्रेट प्लेस बनारस की। तो बनारस की दूरी होने वाली है लगभग 450 किलोमीटर रांची से, और इसमें लगने वाले हैं लगभग 10 घंटे। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, 2 से 3 बजे तक वी विल रीच बनारस। और ये समझ लो एक सीरीज़ होने वाली है 2 से 3 दिन की, तो आप आखिर तक इस सीरीज़ को ज़रूर देखना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सीरीज़ आपको बहुत पसंद आए। गाड़ी भी हमारी रेडी है पूरी नए लगेज सिस्टम के साथ, बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। चल आते, हर हर महादेव। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है आज की राइड। मेरे ग्लास में आज फॉग बहुत हो रहा है क्योंकि नया हेलमेट है और एंटी फॉग, इसमें पिन लॉक मैंने लगाया नहीं है, आई नहीं है अभी, ले लूँगा इस ट्रिप के बाद, मैं लगा लूँगा शायद। आज के इस राइड में बहुत कुछ नया है। एक तो लगेज सिस्टम, पहली बार सैडल बैग यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो एक जो विड्थ है बाइक की वो थोड़ी बढ़ गई है, तो उसका एक अंदाज़ा मुझे ध्यान रखना होगा। हालांकि हैंडल अगर क्रॉस कर गए तो फिर पूरी बाइक क्रॉस कर जाएगी। और यहाँ करते हैं रांची को अलविदा और चलते हैं बनारस। तो चलिए चलते हैं भोले की नगरी काशी बनारस में। वो हो भाई, ये हैंडल वॉबल क्यों कर रहा है? होराइजन पे सनराइज की रेडनेस आ चुकी है और ये हमारा पहला टॉल आते हुए। ये रामगढ़ वैली, यहाँ पे ट्रक्स कैसे भी चलते हैं और मजबूरी है इनकी क्योंकि बहुत हाइट पे है। आप लोग इस स्कॉर्पियो वाले की चाल देखना थोड़ा, देखो लेफ्ट, ये बेवजह कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। इसको लेन नहीं पता है किधर चलना है। देखो आगे कोई गाड़ी नहीं है, अभी ये राइट में है, देखो ये आ गया पूरा लेफ्ट में। अभी आप देखना, चला गया राइट में। ऐसे से सावधान रहो। तो 114 किलोमीटर कंटिन्यू राइड कर लिया है और अभी तक हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है, और नेक्स्ट ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर और करने के बाद अराउंड 150 किलोमीटर तब जाकर रुकते हैं कहीं, एक टी ब्रेक लेंगे। इस ट्रिप पे आपको 3 स्टेट्स देखने को मिलेगा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। ऑलमोस्ट 136 किलोमीटर हो गई है और एक अच्छा रेस्टोरेंट या ढाबा कह लो वो दिख तो रहा है।
तो इधर रुकते हैं, चाय मिलना चाहिए, एक बार देखते हैं। 140 किलोमीटर लगभग हमने कर लिया और अभी पहला स्टॉप ले रहे हैं नॉन स्टॉप। 140 किलोमीटर हमने राइड किया और मेरे साथ है मेरी पार्टनर, अभी तक आपने नहीं देखा था, तृष्णा। और अभी तक हमारी जर्नी बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है। वैसे तो टी ब्रेक ही लेनी थी बट सोच रहे अभी अगर रुके हैं तो ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं और नेक्स्ट फिर 50-100 किलोमीटर और करने के बाद फिर देखते हैं कहीं रुकने का अगर हुआ तो। और ये रही हमारी बाइक, बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है, एक प्रॉपर अभी लग रही है टूरिंग के जैसा। अरे बाबा इसमें सटा हुआ है ये तो, ओ ये हीट हो रहा है, देखो ये हीट होके चिपक रहा है इसमें, इसको और ऊपर करना होगा। चलो इसको तो सेट कर लेंगे, पहले चलते हैं और चाय पीते हैं। इस ट्रिप की पहली चाय। आ गया हमारा नाश्ता। ब्रेकफास्ट तो हो गया अच्छी तरह से, अब लग नहीं रहा 3-4 घंटे कुछ भी भूख लगने वाली है। और टाइम हो चुका है अभी 8 बज गए और अभी से ये देखो गर्मी, मैं 10-11 सोच रहा था लेकिन गर्मी अभी से ही। हमारे साथ आज कुछ ऐसा होगा, नाश्ता हमने झारखंड में किया, लंच हम कोशिश करेंगे बिहार में और डिनर ऑब्वियसली यूपी में होगी। वाह, 3 स्टेट और 3 तरह का खाना। ये आ गए हम जीटी रोड में, ये रोड पीछे चली जाएगी कोलकाता और सीधा हमारे रास्ते बनारस। और ये आ गए हम अपने बिहार। पेट्रोल पंप तो दिखाई दे रही है, शायद यहाँ पेट्रोल मिल जाए। यार एक वाटर ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ क्या रेट है? 108 रुपया। बिहार है, बाप रे। चले, एक्चुअली हमने ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी कर लिया, वो गलती हो गई। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा एक लेजीपन आ गया है बॉडी में। यहाँ से लेते हैं कुछ ड्रोन शॉट। अभी हमने एक स्टॉप लिया है इस ब्रिज के ऊपर से, अभी सोच रहा हूँ कुछ ड्रोन शॉट्स लेने का। अगर कुछ शॉट अच्छे आ गए तो आप इन्जॉय करो उस शॉट को। और प्लेस का नाम है सिरघाटी और ये है बिहार में। ड्रोन शॉट इन्जॉय करो। बिहार टिंकर की कविता का यहीं से सार है, चाणक्य की नीति का यहीं से विस्तार है। नालंदा यूनिवर्सिटी तो रहा नहीं, फिर भी बिहार में ज्ञान का भंडार है। यहाँ पे लेते पानी का ब्रेक क्योंकि पानी ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर आ चुके हैं हम और पानी नहीं मिली है। यहाँ मिल जाएगी 100%। फ्रेश हो लिया और चाय पीते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चाय पी लिया, नहा लिया समझो। और अभी हम लोग हैं बिहार में, ये टोल प्लाज़ा के साथ में ही लगा हुआ चाय की स्टॉल थी, वहाँ चाय पी लिया और अभी काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। और अभी चल रहे हैं सीधा आगे और अभी फिर से लंबा खींचेंगे और 100-150 किलोमीटर उसके बाद ही फिर कहीं रुकेंगे। समय के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे लेट हैं हम लोग,
एक घंटा शायद निकलने में लेट हुआ और एक घंटा थ्रू आउट रास्ते में। फाइनली हम लोग कब पहुंचते हैं वो पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। अप्रॉक्सीमेटेड यहाँ से अभी 4.5 से 5 घंटे लग सकते हैं और अभी टाइम हो रहा है 11, तो 11 से 4 से 5 घंटा। तो चलिए मिलते हैं रोड पे। अभी फ्रेश होने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से एनर्जाइज्ड। अच्छा है, ऐसा ब्रेक तो जरूरी ही है। अभी चलते चलते हमें बहुत ही अच्छा एक सुंदर सा लोकेशन दिखा, ये देखो सो ग्रीन। तो सोचा कुछ शॉट्स ले लेते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके, पीछे स्कूल चल रहा है, स्कूल के सारे बच्चे भाग कर यहाँ आ गए हमें देखने के लिए। ये देखो सबको आ रहा है, ठीक है ना, सबको चैनल देखना और सब्सक्राइब भी करना। चलो एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था, खबर ना थी कुछ सुबह की ना शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था, माँ की कहानी थी परियों का फसाना था, बारिश में कागज़ की नाव थी और मौसम सुहाना था, हर खेल में साथी थे हर रिश्ता निभाना था, गम की जुबान न होती थी ना जख्मों का पैमाना था, रोने की वजह न थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। यार बच्चों ने दिन बना दिया, सारी थकान दूर हो गई। इतना खुश थे वो देखकर, हर एक चीज़ से एक्साइटेड थे, ये क्या है, ये क्या है, हेलमेट कैसा है, ये क्यों है, कैमरा क्यों है, उनकी खुशी अल्टीमेट थी। ये देखो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये है सोन नदी, झारखंड से आ रही है ये, छत्तीसगढ़ झारखंड, और ये जाके मिलेगी गंगा नदी में। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता से चेन्नई और देन मुंबई एंड देन अगेन दिल्ली, इसलिए इस पे सबसे ज़्यादा ट्रक आपको दिखेंगे। और इस जीटी रोड को बनाया था शेरशाह सूरी ने, आसाराम में ही शेरशाह सूरी की कब्र है, शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो एक्चुअल में ग्रैंड टंक रोड वही है जो सासाराम से होते हुए जाता था, और ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो सासाराम को बाईपास करता है वो छोटे से एरिया को बस बाईपास करता है। पूरे बिहार की सबसे फेमस और सबसे पावरफुल मंदिर माँ तारा चंडी, आप गूगल करके देखना इस मंदिर की इम्पोर्टेंस, बहुत 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 पावरफुल है। माँ तारा चंडी के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। जय माता दी। इतना सुंदर ग्रीन है, देखो आप ये ग्रीनरी, जब से बिहार में एंटर किया ना तब से ये कंटिन्यू है, यही मैं बता रहा था, पूरी की पूरी धान की खेती है। ये देखो साथ साथ ट्रेन चल रही है। तो हमने 400 का वॉक कंप्लीट कर लिया, 407 किलोमीटर। तो यही वो पॉइंट है जहाँ से लेफ्ट लेकर और फिर राइट लेना होगा मुगल सराय के लिए। मैप में तो ऐसा ही बता रहा है। ये रहा टर्न,
और ये सीधा, और पहुंच गए हम मुगल सराय, ओ सॉरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बस ये रास्ता पकड़ कर सीधा चलना है, और ये समझ लो बनारस का एक एक्सटेंशन ही है। मुगल सराय अलग से क्या है, साथ ही साथ है बनारस के। ये ब्रिज देखो, बस एक कार की जगह है। यूपी में स्वागत है भैया। बहुत ट्रैफिक और बहुत गर्मी। बहुत बुरी तरह से निकल कर आया हूँ अभी, अभी आगे और भी हैं। पूरा धुआं धुआं कर दिया भाई। गर्मी कम थी, धूल मिट्टी सब एक बराबर कर दिया। तो ये रहा आपके लिए माँ गंगा की पहली झलक। वाह, जितनी बार भी आओ ना उतनी बार ये बनारस आपको अमेज करता है। कचौड़ी जलेबी की दुकान, लस्सी चाट की दुकान, ये अब आपको दिखता जाएगा जगह जगह। यही तो है बनारस की खासियत। ये रास्ता है काशी विश्वनाथ मंदिर और गदौलिया चौक के बीच वाला। और भैया बनारस में जिसने गाड़ी चला लिया वो इंडिया के किसी भी कोने में चला लेगा, इंडिया का वर्ल्ड के किसी भी जगह पे चला लेगा। फाइनली होटल पहुंच गया, अब देखता हूँ यहाँ क्या सीन है। सो फाइनली वी हैव चेक्ड इन। कितनी भीड़, कितना क्योस मचा हुआ था आपने देखा पूरे रास्ते, पूरा नाक से लेकर थ्रोट तक पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, ये एक जर्नी रहेगी रांची से बनारस तक की। और नेक्स्ट जो अब कल से जो होने वाली है वो एक पूरी प्रॉपर बनारस को एक्सप्लोर करेंगे बहुत अच्छी तरह से। इस राइड को आपने अगर इंजॉय किया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस चैनल पे बने रहें और देखें ज़रूर अगली वीडियो को। टिल देन कीप राइडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय, जय हिंद।